नमस्कार, जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे आदर्श आचार संहिता के ऊपर। क्या आपको मालूम है कि जो आदर्श आचार संहिता है वो क्यों लगाई जाती है और इसका आरंभ कब से हुआ है भारत में और इसके संदर्भ में अन्य जानकारी क्या है? तो इसके लिए आज के इस खास सेशन और वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े रहे ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी हम दे सके। तो सबसे पहले तो जो ये चुनाव प्रक्रिया है उसको संपूर्ण करने के लिए और साथ ही साथ इसको निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से करने के लिए कुछ दिशा निर्देशों को जारी किया जाता है और जिसको हम क्या कहते हैं, आदर्श आचार संहिता के नाम से जानते हैं। संविधान में इसका जो संबंध है वो अनुच्छेद 324 से है, जिसमें ये बताया गया है कि निर्वाचन आयोग संसद तथा राज्य विधानसभा के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की निगरानी और संचालन करने की शक्ति रखता है। और आदर्श आचार संहिता उस तारीख से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है और यह चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक लागू रहती है। इसके साथ साथ अगर हम इसके विकास की बात करें कि ये कब से शुरू हुई, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जब राज्य प्रशासन ने राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आचार संहिता तैयार की थी। इसके पश्चात वर्ष 1962 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को यह फीडबैक के लिए आचार संहिता का एक प्रारूप भेजा, जिसके बाद से देश भर के सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसका पालन किया जाने लगा। और वर्ष 1991 में चुनाव के नियमों के बार बार उल्लंघन और भ्रष्टाचार जारी होने के बाद चुनाव आयोग ने एमसीसी को और सख्ती से लागू करने का फैसला लिया। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए इसमें क्या प्रतिबंधित है और किस तरह से इस आचार संहिता को लागू किया जाता है, इसके क्या फीडबैक है, किस तरह का इसका प्रोसेस रहता, तो उसमें सबसे पहले राजनीतिक दलों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों और पिछले रिकॉर्ड के कार्यों तक सीमित होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें कि जातिगत और सांप्रदायिक भावना को आहत करने और असत्यापित रिपोर्टों के आधार पर उम्मीदवारों को आलोचना करने, मतदाताओं की को रिश्वत देने या डराने और किसी के विचारों का विरोध करते हुए उसके घर के बाहर प्रदर्शन या धरना देने जैसी गतिविधियां पूर्णतः निषिद्ध है। इसमें अगर हम बैठकों की बात करें तो पार्टियों को किसी भी बैठक के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को समय पर सूचित करना चाहिए ताकि पुलिस पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर सके। यदि किसी तरह का जुलूस निकालना है तो उसके लिए यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार एक ही मार्ग से जुलूस निकालने का प्रयास करते हैं या योजना बनाते हैं तो राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से संपर्क कर लेना चाहिए ताकि जुलूस में आपसी टकराव ना हो और राजनीतिक दलों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वालों को पुतले ले जाने और जलाने की अनुमति भी नहीं होती। अगर हम चुनाव के दिन की बात करें तो चुनाव के दिन केवल और केवल कुछ ऐसे उम्मीदवारों को जो कि वैध उम्मीदवार हो उनको ही अनुमति होती है मतदान केंद्र में प्रवेश करने की। दूसरे कि जितने भी वहां पे पार्टी के कार्यकर्ता है तो उनके लिए उपयुक्त बैच तथा पहचान पत्र दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो भी चुनावी घोषणा पत्र रहता है तो उस चुनावी घोषणा पत्र में संविधान में निहित आदर्शों और सिद्धांतों के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कि राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करने से बचना चाहिए जिनसे चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता धूमिल होने या मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालने की संभावना हो। इसके साथ साथ घोषणा पत्र में वादों के औचित्यों को प्रतिबंधित करना चाहिए और इसके लिए वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के तरीकों एवं साधनों को व्यापक रूप से इंगित करना चाहिए। इसके साथ साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत एकल या बहुचरणीय चुनाव के लिए निर्धारित प्रतिबंधात्मक अवधि के दौरान घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम आदर्श आचार संहिता की आलोचना की बात करें तो इसकी कुछ आलोचना भी की जाती है, जैसे कि जो एमसीसी है इसको हम क्या कहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हेट स्पीच, फेक न्यूज, धन बल या बूथ कैप्चरिंग, मतदाता को डराने धमकाने और हिंसा जैसी चुनावी कदाचारों को रोकने में विफल रही है। और इसके साथ साथ अगर हम इसमें शासन के साथ हस्तक्षेप की बात करें तो एमसीसी नीतिगत निर्णयों, सार्वजनिक व्यय, कल्याणकारी योजनाओं और स्थानांतरण और नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। इसके अलावा एमसीसी को बहुत जल्दी या बहुत देर से लागू करने, विकास गतिविधियों और सार्वजनिक हित को प्रभावित करने के लिए ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अक्सर आलोचना की जाती है। तो इस जानकारी को से आपको कितना लाभ मिला दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो एंड शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।